चिराग रखा हुआ है जिसे अलादीन के सिवा और कोई हासिल नहीं कर सकता। अलादीन कौन है? अलादीन एक गरीब दर्जी का बेटा है जो बसरे में रहता है, लेकिन अलादीन भी अगर जवान होने से पहले सुनहरे गार में दाखिल हुआ तो चलकर भस्म हो जाएगा। अभी तो वो बच्चा है। अलहू मलहू खाली दीपा सरंदन दीपा मौत को अपना मुकद्दर क्यों बनाना चाहता है? इसलिए कि ये मेरा यार है। माशाल्लाह, इतनी छोटी सी उम्र में हक़े दोस्ती पर अपनी जान देने को तैयार है, मगर तुमने हमें पत्थर क्यों मारा? मैंने पत्थर आपको तो नहीं मारा। तो फिर किसको पत्थर मारा है? मैंने दरख्त को पत्थर मारा था। दरख्त को क्यों पत्थर मारा था? हम दरख्त को पत्थर मारते हैं तो हमको खजूर देता है। वज़ीरे आज़म, इस बच्चे को 100 अशर्फी इनाम दी जाए। मगर सुल्तान आली, ये गुस्ताख बच्चा तो सदा का मुस्तहिक है। नहीं वजीर आजम, ये दरख्त को पत्थर मारते हैं तो वो इन्हें खजूरें देता है। इसने सुल्तान आलम को पत्थर मारा है और हम से कुछ न दे, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो। मगर सुल्तान आली शामिल हो,
ये तो जगह मिली, क्या चोरी की है? तो बात चोरी, मैं बिना चोरी कर सकता हूँ? चोरी नहीं की तो क्या तुझे बगदाद में कोई हतमताई मिल गया था? ये तूने क्या किया? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन तुझे कभी भूखा नहीं सुनाया। तू एक बेवा माँ की औलाद है ना मुराद, तुझे अपने मरहूम बाप की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है। सच कहता है खाला जान, तुम भी झूठ बोल, तेरी समान पूरी सच्ची है। देख दादी, मैं खुद जाकर कोतवाल से पूछूंगी, अगर ये झूठ हुआ मैं तेरे हाथ काट डालूंगी। अगर सच हुआ तो? सच हुआ तो मैं उस सुल्तान की सलामती के लिए छोली फैलाकर दुआ मांगूंगी। आफरीन, आप कोई भी बड़े से बड़ा तलवारबाज शहजादी अली का मुकाबला नहीं कर सकता। शुक्रिया उस्तादी मोहतरम। शेख बदरुद्दीन, हम बहुत खुश हुए, तुमने अपना फर्ज पूरी दयानतदारी से अदा किया और हमारी बेटी को इस काबिल बना दिया कि ये अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर सके। तुम्हें वो मांगा इनाम दिया जाएगा। कदर अफजाई का शुक्रिया आलम तला। अब्बा हुजूर, जाने किधर? अगर आपकी इजाजत हो तो हम इस शहर में घूमकर अपनी रियाया का हाल मालूम करना चाहते हैं। रियाया की देखभाल करना तुम्हारा नहीं हमारा फर्ज है और हम अपने फर्ज से कभी गाफिल नहीं हुए बेटी। अब्बा हुजूर, हम आज तक इस महल से बाहर नहीं गए। शहजादियाँ सरे आम नहीं घूमा करती बेटी, शमे फानूस ही में रोशन रहती है। लेकिन अब्बा हुजूर, महजबी, हम तुम्हारी हर जिद पूरी करते हैं लेकिन इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। अब तुम बच्चा नहीं हो बेटी। हम पागल हो जाएंगे। खुदा ना करे शहजादी आलिया, आप कैसी बदशगुनी की बात करती हैं? हमसे अभी पाबंदी बर्दाश्त नहीं होती। यूं लगता है हमारी सांसों पर भी हुकूमत का पहरा हो। अब्बा हुजूर की इजाजत के बगैर हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। इस महल से बाहर क्या है हमने आज तक नहीं देखा। हम अपनी रियाया की जिंदगी को करीब से देखना चाहते हैं। तुम हमारा एक काम कर दो, हुक्म कीजिए शहजादी आलिया, हम सिर्फ एक दिन अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। इस महल से बाहर खुली फजाओं में सांस लेना चाहते हैं, सुल्तानी आली की इजाजत के बगैर। हाँ गुलबदन, क्या तुम हमारी आरज़ू पूरी कर सकती हो? जवाब दो गुलबदन। जरूर करूंगी शहजादी आलिया, मैं आपके बाहर जाने का पूरा इंतजाम कर दूंगी। शहजादी बानो, वजीर आजम आने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। अब देखना गुलबदन, जनाब कोई बहुत ही हकीर सा तोहफा लेकर आ जाएंगे और आते ही सलामी देंगे। आसमानी हूर, शोलाए सूर, सराफाए नूर, नूर ही नूर, शहजादी महजबी की खिदमत में आदाब सजा लाते हैं। हसीनों की सरदार, फूलों की महकार, बहार ही बहार, शहजादी महजबी की खिदमत में यह खाकसार आदाब पेश करता है और साथ ही ये हकीर नजराना भी। गुलबदन, इसे बाहर फेंक दो। ना 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 ना, ये गजब ना कीजिएगा शहजादी आलिया, खानाजाद के जज्बात का खून हो जाएगा। अपने जज्बात पे काबू रखना सीखिए वजीर आजम, हम आपकी इज्जत करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बंदा तो सल्तनत का वफादार और हुजूर का पुराना नमककार है।
इसीलिए आप इतने नमकीन हैं। और कुछ कहना है? वो पता चला था कि शहजादी आलिया की तबीयत मुबारक कुछ नासाज है, मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुआ था। हुक्म हो तो शाही तबीब को अभी हाजिर करो। आपकी इत्तला के लिए हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप इत्मीनान से तशरीफ ले जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो दरअसल बंदा इसलिए खैर सखिया इस आते इस आते अब अहलन व सहलन मरहबा ए नकाब पोश हसीना, ये खादिम आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मुझे एक मामूली सा लिबास चाहिए। क्या फरमा रही हैं आप? मामूली? मैं तो आपको एक से एक बढ़िया लिबास दिखा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखिए, खानम के हुस्न को चार चांद लगा देगा ये लिबास। वैसे माशाल्लाह आप खुद भी चांद नजर आती है। तुम कपड़े बेच रहे हो या दवाइयाँ? मैंने आपको कपड़ा दिखाया है तो मंजन की शीशी तो नहीं पकड़ा। बाजारी हकीमों की तरह चर्ब जुबानी मत करो, ये ठीक रहेगा। खातून क्या फरमा रही आप, ये तो किसी भिखारन की गुदड़ी है। मुझे यही चाहिए। कितने दाम होंगे इसके? कैसे दाम, बेदाम बादाम। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप आती जाती रहेंगी तो दाम भी वसूल हो जाएंगे। ये लिबास, इसकी कीमत आपसे इसलिए नहीं लूंगा कि ये मुझे मुफ्त मिला था। आप भी मुफ्त ले जाइए। अल्लाह अलादीन अलादीन कलेजा निकाल के ले गई। कौन चली गई? वो एक हसीना महजबीना किसी जौहरी का नगीना। अबे माथे से पहुंचो पसीना, बेटा तुम दुकानदारी कर चुके। अलादीन जरा देर से आए हो, अगर जल्दी आ जाते बाखुदा तो अपनी भरजाई को देख के तीरे हो जाते। आए हैं पहरेदार, तुम्हारे हवास तो ठीक है, अंधे तो नहीं हो गए तुम? क्या हुआ गुलबतन? तुम पहरे पर थे तो ये फकीरनी हरम में कैसे जाओ घुसे? फकीरनी नहीं, तुम्हारी खाला। तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगी, अफीमी की औलाद पहले जरा इससे निपट। चल भाग यहाँ से, खबरदार जो फिर इधर का रुख किया। जाती हूँ बाबा जाती हूँ, धक्के क्यों देती हो? नहीं अभी तक क्यों नहीं आई तेरी परजाई? अबे ठीक है, तू यहाँ बैठ और उस बेवफा का इंतजार कर।
मैं जरा कावा खाने से कावा पिया। अबे अलादीन, तू तो है ही खजूर फरोश, तुझे क्या पता मोहब्बत किस भाव बिकती है। अब अपने आका को भी नहीं पहचानती। अब्दुल्ला,
छाका ले चलो सारा फाको। गुस्ताखो, तुम्हीं को छोड़ो हमें, वरना हम तुम्हें छुरी से लटका देंगे। छोड़ो बदतमीज को। या शेख, कहाँ लिए जाते हो इस गरीब को? जहन्नम में। तुम पूछने वाले कौन हो? मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं कोतवाल से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। खरगोश के बच्चे, हमें कोतवाल की धमकी देता है, मालूम होता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। जान तो प्यारी है, मगर तुम्हारी ये हरकत प्यारी नहीं। हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती काने दलाल? तुम इनके मामा लगते हो? नहीं जाने, मैं इनका चाचा लगता हूँ। तो ये गंजा कट्टा सारी जिंदगी कैद खाने से बाहर नहीं आ सकता। इंशाल्लाह कैद खाने की सलाखों को टकरे मार मार के अपनी टिंड फोड़ लेगा, लेकिन वो टोपी वाला उसे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा अल्लाह अलादीन अलादीन अल्लाह अल्लाह अलादीन किधर टिकटिकी हो गए यार? गुलजार जी यार, वो कहाँ गई जिसके लिए हम अपनी जान पे खेल गए? मुझे क्या पता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कोई वो नहीं हूँ। अच्छा समझा,
तो ये नाचने वाली के चक्कर से निकल के तो उस भिखारन के चक्कर में फंस रहे हो। यार लिबास फकीराना था लेकिन सूरत किसी परी से कम नहीं थे। क्या वो परी थी जो उड़कर महल से बाहर चली गई? हम पूछते हैं शहजादी कहाँ गायब हो गई है, तुम सब कहाँ मर गए? हम बेगुनाह हैं आलीजा। हमारे तो फरिश्तों तक को खबर नहीं सुल्ताने माजम। किसी को खबर नहीं तो फिर सैकड़ों गुलामों कनीजों और पहरेदारों की भीड़ का क्या फायदा? तब खुदा का महल से शहजादी गायब हो जाए और किसी को खबर नहीं। आशिम बेग सुल्ताने माजम शाम के सायों की तरह बगदाद के गली कूचों में फैल जाओ। सुबह तक अगर हमारी बेटी का पता न चला तो कल की रात तुम सबके लिए आखिरी रात होगी। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। क्या मतलब है बे? मेरे पेट में बोका लटक रहा है या डड्डू नाच रहे हैं? खबरदार मुझे खाने से मत रोका कर, नजर मत लगा देना मुझे। ए, ये तेरा भाई क्या नदीदा है, तुझे नजर लगाएगा? माँ हर वक्त खाने से टोकता रहता। बेटे तू इसका दोजख से भरने दे, हट तू, अल्लाह का नाम लेके फिर जा। अच्छा माँ फिर मान कौन है तू? उठ जा दे। तुम? बड़ी मीठी नींद आ रही थी, क्यों लग रहा था जैसे रात भर कोई झूला झुलाता रहा हो, मजा आ गया। कल मुझे मुसीबत में डालकर खुद कम भाग गई। जाना कहाँ था तुम? जरा मौज में यूं ही इधर उधर घूमते रहे। हमारा घूमना ठीक नहीं, कल अगर मैं उन बर्दा फरोशों से टक्कर ना लेता ना तो वो तुम्हें किसी बूढ़े शेर के हाथ बेच देते। हमें भेज देते? किसकी मजाल है जो हमें छू कर भी देखे? वैसे तुम हो बहादुर, शिकर सूरत ही कुछ बुरी नहीं, हमें थोड़ी सी खजूरे दे दो। ये ले और भाग यहाँ। हम मुफ्त नहीं मांगते, दान ले लो। अरे मैं भिकारनों से दान नहीं लेता। तुमने हमें भिकारन कहा? और क्या तुम बगदाद की शहजादी हो? तो तुम कौन से बच्चे के शहजादे हो? अरे शहजादा हमारे सामने क्या हैसियत रखता है, वो शाह की मर्जी का गुलाम और हम अपने दिल के शहंशाह। ये खजूरों का क्या है, तुम चाहो तो और ले लो, वैसे भी हम भिकारनों के गुलाम। तुमने फिर हमें भिकारन कहा? हम तुमसे नहीं बोलते। अरे बिगड़ गई? तुम तो खुद शक्ल से फकीर लगते हो। हैरान हमेशा शाही सत्ते का रास्ता रोकने की समझ जानता है? मैंने भी कुछ नहीं किया कुशवंत साहब, अब खामखा गरीबों को क्यों मारते हैं? आगे से जबान चला था। बेजुबान समझ के तो आपने मारना शुरू कर दिया। हम गरीबों के पास जुबान है वजीर आजम। गिरफ्तार कर लो इस जबान दराज को। We'll be right back.
बल है इस कुत्ते में। कमीने की मुश्के कस लो और घोड़ों के पीछे बांध कर ले चलो। ठहरो वजीर आजम, छोड़ दो इन्हें। गरीबों पर जुल्म करना अच्छा नहीं। तुम कौन हो? हुक्म की तामील हो। शहजादी आलिया, आप और इस रूप में? शहजादी, शहजादी साहबा, शहजादी साहबा। इस गुलाम ने तो आपकी तलाश में शहर का कोना कोना छान मारा, फिर भी हमें तलाश ना कर सके। ना लायक है आप, हमारे लिए सवारी का इंतजाम किया जाए। जो हुक्म शहजादी आलिया। यहाँ से पैदल जाइए, हम खुद ही महल तक पहुँच जाएंगे। हट जाओ। बेकरारी क्यों न हो, ताजा शिकार इश्क में कभी खाए न थी। तो धड़कते दिल मिले, मिट गए सब फासले प्यार के। तो धड़कते दिल मिले, मिट गए सब फासले प्यार के। चलते चलते थम गए, चलते चलते थम गए काफिले बहार के। दो धड़कते दिल मिले, मिट गए सब फासले प्यार के। दुनिया के हसीनों से हसीन तू है, दुनिया के हसीनों से हसीन। बाखुदा तेरा कोई सानी नहीं, किसने तुझको है बनाया, जिसने तुझको है बनाया सदके उस फनकार के। दो धड़कते दिल मिले, मिट गए सब फासले प्यार के। प्यार दुनिया से कभी डरता नहीं, प्यार दुनिया से कभी डरता नहीं। चढ़ के सूली पर भी ये मरता नहीं, इश्क जीता है हमेशा, इश्क जीता है हमेशा अपना सब कुछ हार के। दो धड़कते दिल मिले, मिट गए सब फासले प्यार के। चलते चलते थम गए काफिले बहार के। दो धड़कते दिल मिले, मिट गए सब फासले प्यार के।
मेरे दिल की मुराद पूरे होने का वक्त आ पहुंचा। अलादीन जवान हो चुका है। अलादीन उठ के बैठो प्यारे, तुम तो यूं लेटे हुए हो जैसे छिपकली छत से गिर के लेटती है। देखो यार, मेरी खुशनसीबी क्या है कि जिस दिन से वो मेरी दुकान से कपड़ा लेके गई है उसका कोई अता पता नहीं चला। मैंने उसे रेगिस्तानों में तलाश किया, पहाड़ों में ढूंढा, दरख्तों पे पत्थर मारे, लेकिन वो कहीं से कभी नहीं टपकी। और तेरी बदकिस्मती ये है कि एक भिकारन तुझे शहजादी का जलवा दिखा के लूट पूट के ले गई। यार हम तो दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। गुलजार जी, मां जी, तुम दोनों आज उदास नजर आते हो। हाँ क्या वो मां जी, वो हम दोनों की कश्ती भंवर में फंस गई है। इसकी कश्ती में तो सुराख भी हो गया है, पता है। वो एक चप्पू इसके हाथ में, मेरे हाथ में है। दुआ कीजिए हमारी कश्ती किनारे पे लग जाए। कौन है वे? माफ करो, छह छह कुत्ते की हुई है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए भीख मांग के। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप मेरी भाभी है, आप मुझे नहीं पहचानती। मैं गलत पहले अपने दर्दे भाई से लड़कर बसा चला गया था। मगर मरहूम ने तो कभी अपने किसी भाई का जिक्र नहीं किया। तुम से नाराज थे, लेकिन भाई भाई होता है। वो ने जोश मारा और मैं भाई से मिलने चला आया। एक बार किस्मत भाई अल्लाह को प्यारा हो चुका है और मुझे उसकी सूरत देख भी नसीब नहीं हुई। उसकी सूरत देख भी नसीब नहीं हुई। क्या कर रहे हो चचा, उतर जाएगी। भाई भाई रोए नहीं, आप सफर से आए हैं, तबीयत बिगड़ गई। ये दोनों आपके बेटे हैं? जी, ये मेरी मरहूम बहन की निशानी है। माँ बाप मर चुके हैं, मगर मैंने इसे माँ की तरह पाला है। और ये मेरा बेटा है अलादीन। अलादीन मेरे बेटे, मेरे भतीजे। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही नाक, वही सूरत, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बहुत देर बाद आपको ख्याल आया अपने भतीजे का चाचा जी। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटे। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं अलादीन को अपने साथ सोने चाने की इंतजार करता हूँ। जी शहजादी साहबा, रात काफी हो चुकी, हमें नींद नहीं आ रही। गुलफिकर, आँखों में किसी की सूरत बस गई हो तो नींद कहाँ। सच कहती हूँ गुलफिकर, वो हमें अच्छा लगा, हमें उससे मोहब्बत हो गई। आखिर कौन खुश नसीब है वो, ये तो आपने बताया ही नहीं। हे गरीब खजूरी बेचने वाला, क्या जरे और आफ्ताब का मिलाप हो सकता है? क्या मोहब्बत में ऊंच नीच भी होती है? मगर इस मोहब्बत का अंजाम, हमें अंजाम की परवाह नहीं। राह में हुकूमत की दीवार होगी। मोहब्बत किसी के रोके नहीं रुकती, शाही वकार रास्ता रोकेगा, प्यार हर तूफान से गुजर जाएगा। लेकिन कहाँ एक खजूरे बेचने वाला और कहाँ बगदाद की शहजादी। गुलबदन, हमने भिकारन के भेस में वो दौलत पाई है जिसके सामने सारी दुनिया की दौलत हेज है। तुमने हमारे दिल का रास पा ही लिया है तो उससे मिलने की कोई ना कोई तदबीर करनी होगी। बहुत मुश्किल है शहजादी आलिया, अब सुल्तान अली ने पैर सख्त कर दिए हैं। हम उसके बगैर मर जाएंगे। तुम्हें हमारी जिंदगी प्यारी है तो अलादीन से मिलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। बानो के लिए मेरी जान भी हाजिर है, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं आप दोनों को मिलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। अब आप सो जाइए। Thank you.
दरबार में तुम्हें कहीं ना कहीं पूछ रहा मिलेगा, जिसे भेजकर हम सोने चांदी और हीरे जवाहरात की तिजारत करेंगे। उतर जाओ इस कार में। लेकिन चचा जान, मैं नीचे जाके किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। नहीं भतीजे, नहीं, पूछ रहा हूं। तुम्हारी किस्मत में लिखा है इस कार की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जल्दी उतर जाओ अंदर। अच्छा हाँ, उतरो। शाबाश, जरा देख के चला जान। Thank you.
भागी ये ले आए जरा चले जा रहे मुझे जल्दी बाहर निकालिए ये घर तो बहुत खतरनाक है निकालता हूँ ये पहले चिराग मेरी तरफ देखो चाचा जान तुम्हें मेरी जिंदगी से ज्यादा चिराग की पड़ी है और यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है जिद्दत करो अलादीन जब तक तुम ये चिराग मुझे नहीं दोगे तुम घर से बाहर नहीं आ सकते तुम कुछ भी कहो चाचा जब तक तुम मुझे इस घर से नहीं निकालोगे मैं तुम्हें चिराग नहीं दूंगा ये बात है तो इसी घर में कुट कुट कर मर जा मैं खुद आकर ले जाऊंगा डरो नहीं मेरे आका जिसके पास चिराग हो मैं उसकी कनीज हूँ तुम मेरी कनीज हो हाँ तुम इस चिराग को जोर से रख लो अच्छा बाहर ले चलो जो होगा मेरे आका इतनी देर लगा दी बेटा वो तेरा चचा कहाँ है अरे माँ वो मेरा चचा नहीं था वो शैतान तो जादूगर था जादूगर हाँ माँ वो तो मुझे मुसीबत में फंसा गया ये तो आपकी दुआओं से इस मेहरबान परी ने मुझे बचा लिया कहाँ है परी ये जिन तुम्हें परी नजर आता है अब जागते में परियां देखने लगे हो तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है मेरे आका आपके सिवा ना ही मुझे को देख सकता है ना मेरी आवाज सुन सकता है अच्छा इसलिए ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं पल्लेटा नहीं हो ये हैरान भी हो रहे हैं अच्छा गुलजार तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो फिर मांगो क्या मांगो इस दोजख को भरने के लिए जन्नत के खाने मंगवा दो अभी लो मेरे दोस्त के लिए बेहतरीन खाने मंगवा जाए जाए मर ले इतना खाना जिंदगी में पहली दफा देखा है कैसे नतीजों की तरह खा रहे हो इत्मीनान से खाऊंगा बड़ा शनिवार इतनी जल्दी भी क्या है फरमान के जरिए हर खास आम को मुतला किया जाता है कल शहजादी माँ जमी की रस्म में शादी अदा की जाएगी इस मुकाबले में 5 मुल्कों के शहजादे हिस्सा लेंगे जो शहजादा शहजादी के 3 सवालों का सही जवाब देगा
वो इस शहजादी बानो से शादी का हकदार होगा। बाहुकुम सुल्तान आली। गुलबदन, अलादीन हमारा प्यार है, हमारी जिंदगी है, उसके सिवा किसी और का ख्याल भी दिल में लाना हमारे लिए गुनाह के बराबर है। महजबी जाने किधर, क्या बात है, आज तुम कुछ उदास नजर आ रही हो। अब्बा हुजूर, किसी तरह ही शादी रुक नहीं सकती। मगर क्यों, अब तुम माशाल्लाह बालिग हो चुकी हो और हम चाहते हैं जितनी जल्द हो सके इस फर्ज से सुबकदोश हो जाए। लेकिन अब्बा हुजूर, हम अभी शादी करना नहीं चाहते। लेकिन अब तो हमसाया ममालिक के शहजादों को दावतनामे भी जारी किए जा चुके हैं। जो शहजादा तुम्हारे 3 सवालों का सही जवाब देगा उसी को तुम्हारा बर समझा जाएगा। लेकिन अब्बा हुजूर, हमें शादी का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। शहजादियां अपना बर इसी तरह चुनती हैं बेटी, ये हमारी खानदानी रस्म और बरसों पुराना रिवाज है। खानदानी रस्म और रिवाज पर बेटी को कुर्बान न कीजिए। महजबीन, तुम हमें जिंदगी से ज्यादा अजीज हो, लेकिन बेजा जिदें पूरी करना हमारे मिजाज के खिलाफ भी है और औलाद के लिए मुजर भी। अब्बा हुजूर, ये सिर्फ नहीं, हमारा हक है और हमारा फर्ज। हम तुम्हें नई जिंदगी की मुबारकबाद देने आए थे, बहस करने नहीं। गुलबदन, किसी तरह ये शादी रोक दो, कनीज मजबूर है, शहजादी आलिया तुम भी मजबूर हो, हम भी मजबूर हैं, अलादीन भी मजबूर है, सारा इख्तियार अब्बा हुजूर को है। हाशिम बे, तुम्हारी क्या जुरत। गुस्ताखी माफ अलीजा, इस रिश्ते का मुझसे ज्यादा मुस्तहिक और कौन हो सकता है। तुम्हारी आंखों पर हवस का पर्दा पड़ चुका है, अपनी हैसियत मत भूलो। हमने तुम्हें कलमदान विजारत जरूर सौंपा है, लेकिन अपनी दामादी का शर्फ नहीं बख सकते। शहजादी की शादी रस्म के मुताबिक होगी, जिसमें मुअज्जज शहजादों के सिवा और कोई हिस्सा नहीं ले सकता। मगर अलीजा, तखलिया देख लेना तुम, इसकी अलादीन कार में अब तक हड्डियों का जायजा बन चुका होगा। अल्लाहू मलहू काली दीपा चंदीपा। बता तो सही, अबे चुप तो कर, मैं देख क्या करते हैं। अबे करना क्या है, पीछे कीचड़ लग जाएंगे। और चुप कर यार, ये देख। क्या हुक्म है मेरे आका? हमें किसी मुल्क का शहंशाह बना दो, नहीं शहजादा बना दो। शहजादा बना दो? हाँ देख तो सही। अबे क्या कह रहा है तू, और चुप कर, चलो ना। अरे शहजादे बन गए। ओए हम तो शहजादे बन गए यार, हमारी तो दाढ़ियां भी निकल आई। मेरी तो नहीं, और तेरी भी नहीं? मेरी हां, छोटी कूची जैसा मुंह लगा है। अच्छा, मेरी बात सुन। अरे हम कैसे शहजादे हैं, हमारी फौज कहाँ है, और फौज के बगैर तो हम घिसियारे लग रहे हैं। ओए हाँ यार, तुम हमारी फौज का इंतजाम करो। रुक जाओ अलादीन, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अगर मैं इस वक्त रुक गया तो शहजादी महाजा भी किसी और की हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ। शहजादा यमन,
सुल्ताने आली की खिदमत में आदाब। शहजादा यमन तशरीफ रखिए। शहजादा सिस्तान, सुल्ताने आली की खिदमत में आदाब। शहजादा सिस्तान तशरीफ रखिए। शहजादा खुलिस्तान, वादिये मेहरान, फतेह रेगिस्तान। के मुताबिक जो शहजादा शहजादी महजबीन के तीन सवालों का सही जवाब देगा, आली जा शहजादी महजबीन की शादी उसी से कर देंगे। आली जा, अगर शहजादी साहिबा कोई भी सवाल न करे तो भी मैं जवाब तुरंत दूंगा। मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत? बताइए शहजादा कुर्लिस्तान, चराग में रोशनी कहां से आती है? चराग में रोशनी वापडा हाउस से। ये वापडा हाउस क्या है? पता नहीं। फिर आप तशरीफ ले जा सकते हैं। मैं शहजादी साहबा से मुखातिब हूं। शहजादी साहबा में वापस जाने के लिए नहीं आया, मैं तो कुछ लेके जाऊंगा, कुछ दे के जाऊंगा। अब तो मेरा भूख के मारे ऊंट भी मर चुका है। खुदा रा कोई आसान सा सवाल कीजिए ताकि मैं आपको जीत सकूं। आप जा सकते हैं। आया 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 आया। आप जा सकते हैं। निपट लूंगा निपट लूंगा। तुम सभी ठीक हो? हमारा पहला सवाल, बताइए शहजादा यमन, चराग में रोशनी कहां से आती है? तेल से। तेल मौजूद है लेकिन रोशनी गायब हो चुकी है। आपने तो पहले ही सवाल का जवाब गलत दिया है। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। आप कौन? क्या मैं शहजादी माजबीन से? कम खूबसूरत हूँ। चुप रहो। आपने मुझसे कुछ कहा? जी जी नहीं। करो कुर्बान, शहजादा सिस्तान भी हमारे सवालों का जवाब ना दे सके। शहजादा सिस्तान, आप भी अपनी किस्मत आजमा लीजिए। बताइए शहजादा सिस्तान, चराग में रोशनी कहां से आती है? शहजादी साहिबा, मैंने चिराग की रोशनी को वहां भेज दिया है जहां से चिराग में रोशनी आती है। जवाब दुरुस्त है आलीजा। बहुत खूब कुलबदन, ये तो बहुत चालाक मालूम होता है। दूसरा सवाल पूछा जाए शहजादी आलिया, दुनिया में कौन से जानदार अंडा देते हैं और कौन से जानदार
बच्चा देते हैं। शहजादी आलिया, जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो बच्चा देते हैं, और जिनके कान छुपे हुए हैं वो अंडा देते हैं। दूसरा जवाब भी दुरुस्त है आलिजा। मरहबा। तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो दिखाई तो देती है लेकिन अपना वजन नहीं रखती? वो सारा है शहजादी आलिया जो अपना वजन नहीं रखता। तीसरा सवाल भी दुरुस्त है आलिजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वजीर आजम, आलिजा मौजूद शहजादे को शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए, पूरे मुल्क में चरागाह किया जाए, यतीमों मोहताजों और बेवाओं में खैरात तकसीम की जाए, हमारी हुदूद सल्तनत में कोई कुत्ता भी भूखा नहीं रहना चाहिए। कल शहजादी महजबीन का जश्न शादी मनाया जाएगा। जरा सोचो अलादीन, अगर तुम्हारे दांत निकल जाते, आंखों की बिनाई चली जाती, कानों के पर्दे फट जाते, कुंभ निकल आता, तो उस उम्र में शादी करने का क्या फायदा? मुबारक हो, जवानी में तेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। लेकिन किसी का दिल तोड़कर तुम तो नादान हो। हाँ ठीक है, मैं नादान हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं गधा हूँ, मैं लूंबड़ हूँ। अबे चार पैसे क्या मिल गए, तू तो आफर गया है यार। शहजादा सीस्तान की खिदमत में आदाब, आपको शहजादी बानो ने याद किया है। जाओ अपनी शहजादी से कह दो कि वो किसी और का हो चुका है। तुम चुप रहो। शहजादा आली, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? नहीं नहीं, तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई। तू कहाँ चली मेरी कुल पतन? आइए यहाँ तशरीफ। जज़ाकअल्लाह। बात सुनिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुल्तान आली से आपका रिश्ता तलब करूं। शर्मा क्यों गई है? मैंने रिश्ता मांगा है, कुछ चंदा तो नहीं मांगा, मेरे हाथ में संदूकड़ी देख ली है। छोड़िए ना, शहजादी साहबा मेरा इंतजार कर रही होंगी। हम भी तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार कर कर के पाँव में चंडियां पड़ गई है। सर पे ताज पहन रखा है, तुम्हारे बाल बहुत मुंह पे आ गए हैं, ख्याल रखा करो। पट्टे खा के आई हो हैं जानी मेरी बाल। तुम तो मुझे तो जादूगर लगते हो। नहीं, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन। गधा कहाँ गया? शहजादी मां जबी की खिदमत में आदा। शहजादी सिस्तान, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांगना? मांगना भिखारियों का काम है शहजादी साहिबा, आप हुक्म कीजिए, बंदा हर खिदमत के लिए हाजिर है। आप कहें तो आसमान से तारे तोड़कर आपके कदमों में बिछा दूं, कहकशां को आपके गले का हार बना दूं, अपना सीना चीरकर दिल आपकी हथेली पर सजा दूं। हमारा दिल किसी और की अमानत है शहजादे, हमारे रास्ते में दीवार ना बनिए। दीवार? वल्लाह आप हमारी तौहीन कर रही हैं। एक नजर हमारी तरफ देखिए, हम आपको दीवार नजर आते हैं, ये मोहब्बत का शाहकार, गुले गुलजार नजर आते हैं, ये कांटों का हार। सिर ना कीजिए शहजादे, आप हमारी मोहब्बत के सामने हार जाएंगे। हम मोहब्बत के इम्तहान में कामयाब हो चुके हैं, कल आप हमेशा के लिए हमारे हो जाए। हम वो सुबह कभी ना आने देंगे जब किसी गैर का हाथ हमारे दामन तक पहुंचे। हम गैर नहीं, अब आपके अपने हैं। हम अभी और इसी वक्त आपको अपने सीने से लगाकर अपने दिल के सारे अरमान निकाल देंगे। छोड़िए हमें, हम कहते हैं छोड़िए हमें। Thank you.
अपना किसी ने हो तो वजीर आजम का ओहदा तुम्हारा मुंतजर। मौका नहीं मिल सका दोस्त, शहजादी एक पल के लिए भी उस बदबख्त से जुदा नहीं हुई। आज के बाद ये मौका कभी हाथ नहीं आएगा। सरकार, शहजादे सीस्तान अभी अभी अपनी ख्वाबगाह की तरफ गए हैं। जाओ कुतवाल, रात के सन्नाटे में शहजादे को हमेशा के लिए खामोश करके लाश को गायब कर दो। जाओ। गुलबदन, तेरी याद में सारी सारी रात मछली की तरह तड़पता हूँ। हमारी शादी कब होगी गुलबदन? जब हमारी शादी होगी तो 40-50 बच्चे पैदा होंगे। बहुत नेक और आदर। गुलदार, क्या हो गया यार? अबे कहाँ से आ गया तू यार? मैं अच्छा भला अपने खानदान में बैठा हुआ था, बच्चे थे मेरे पास बैठे हुए, आके गुंजार सारे बच्चे गली में भाग गए। अभी सुन गौर से, मैं जरा माँ से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। तो पीछे जरा ख्याल व्याल रखिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। अबे अलादीन बात सुन, अबे ऐसे ना जाना यार, कोई दाढ़ी वाड़ी लगा के जाना, बाहर पहरेदार बैठे हुए हैं। वो ही ना हो इस हालत में कोई पहरेदार पकड़ के पास ही बिठा ले। शहजादा सीस्तान, तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके you
तुझे मुबारक हो माँ, तेरे अलादीन को शरीक जिंदगी मिल गई है। शरीक जिंदगी? तू क्या कह रहा है? तूने हुलिया क्या बना रखा है? मैं सच कह रहा हूँ माँ, सुल्ताने आली ने शहजादी माजबीन से मेरी शादी का ऐलान कर दिया है। तू जरूर दीवाना हो गया बेटा, कहीं आसमान भी जमीन से मिल सकता है? मेरा यकीन करो माँ, आसमान के चांद सितारे सब मेरी झोली में आकर गिरते हैं। तू बस इस घर को ना अच्छी तरह सजा दे, मैं बहुत जल्द तेरी दुल्हन लेकर आ रहा हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अलादीन, अलादीन, कौन है ये बदकिस्मत? हजूर, इस मनहूस फकीर की वजह से शहजादा बचकर निकल गया। क्या बहुत बुरा हुआ कोतवाल, इस तरह तो हमारा फैलाया हुआ जाल खुद हमारे गले के लिए फंदा बन जाएगा। इसका जिम्मेदार ये फकीर है हजूर। ना बकौर, इसकी शक्ल तो सुल्तान से मिलती है। हूबहू सुल्तान आज, तकदीर मेहरबान हो तो गलत कदम भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अब देखता हूं शहजादी माजबी मेरी कैसी नहीं होती। मैं उन दोनों बाप बेटी का गुरूर खाक में मिला दूंगा। बगदाद का नया सुल्तान, अब तमाम इख्तियारात पर मेरा कब्जा हो चुका है। जब तक मेरे हक में फैसला नहीं देगा, इस नरम रेशमी बिस्तर की बजाय जंदान की तारीख कोठरी तेरा ठिकाना होगी। गद्दार, नमक हराम, अपने होने वाले दामाद और हाकिम वक्स आराम के साथ बात करो। गद्दारी की सजा जानते हो? सजा कौन देगा मुझे? सजा बिसाते सियासत पर तुम्हें मात हो चुकी। जालिम भेड़िए, तुझे अपने आकाए वली नेमत से गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी। ले चलो इस बेवकूफ कुत्ते को और जिंदान की तारीख कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ। तूने अपने आकाए वली नेमत के साथ गद्दारी की है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तेरी जिद और गुरूर खाक में मिला दूंगा। जालिम की उम्र कम और अंजाम भयानक होता है। तू अपने अंजाम की फिक्र कर बेवकूफ, मैं चाहता तो हमेशा के लिए तुम्हारी जबान बंद कर देता। मगर नहीं, नहीं, ना ना, मैं तुझे जिंदा रखूंगा। हाँ, उस वक्त तक जिंदा रखूंगा जब तक तुम शहजादी का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे इस पूरी सल्तनत का मालिक नहीं बना देते। मैं तुझे सोचने की मोहलत देता हूं। बेटर, बेटर। वाह मेरे मौला, तेरी शान निराली है।
जिसे चाहे पल भर में गदा करे, जिसे चाहे तख्त अता कर दे। वाह वाह मेरे खुदाया, खुदा ने नहीं हमने तुम्हें सुल्तान बनाया है बेवकूफ। अब तुम्हें हमारे इशारों पर चलना होगा। जरूर चलूंगा सफिया। कल हरे दरबार में शहजादा सीस्तान को गिरफ्तार कराकर तुम्हें हमारी शहजादी मैजबीन से शादी करानी होगी। ऐसा ही होगा सफिया, हम तुम्हारा मुंह सच्चे मोतियों से भर देंगे। फिलहाल दिल बहलाने के लिए दो चार कनीज़ें मंगवा दीजिए राय मौला। कमीने, केचली बदलते ही दिमाग खराब हो गया। हम वजीर आजम है, कनीजों के तल्लार नहीं। तुम वजीर आजम हो तो हम सुल्तान हैं सफिया। फिर वही फास फुल्लों के पट्टे, इस शाही लिबास का नहीं, महल की कनीजों दरबारों का ही कुछ ख्याल कर ले। अगर तकदीर ने तुम्हें सुल्तान बना ही दिया तो सुल्तान की जबान बोल, ये साखिया वाखिया नहीं चलेगा। तुम्हें अपने अंदर शाही चाहो जलाल पैदा करना होगा। कनीजे पेश की जाए। तामीर हो देना ही चाहती हो तो अपने होंठों पर मुस्कुराहट के फूल सजाना, हर वक्त खुश रहा करो। तुम क्या दीदे फार फार की देख रही हो, अपने हजूर को मालिया खौलिया हो गया है। मुकम्मल गुलजार बेहतर जाने बाहर, सिवाय मेरे और किसी की नहीं हो सकती। मैं उसे हर कीमत पर अपनी मलिका बनाऊंगा। नफरत और मोहब्बत सोने की तराजू में नहीं तुलती सफिया। याद रख, अगर तूने शहजादी माजबीन से मेरी शादी ना की तो मैं तेरी चमड़ी उधेर दूंगा। अरे नहीं बाबा, ऐसा जुल्म ना करना। अभी तो इस चमड़ी से फकीरी का मैल भी नहीं उतरा सफिया। करबला हो भला, अपनी जबान को लगाम दे। जल्दी से अपने हवास दुरुस्त करके दरबार में जाने के लिए तैयार हो जा। जो कुछ मैंने समझाया है वही करना। जा बाबा जा, जो तू चाहता है वही करूंगा। Thank you.
रक्स पेश हो। अलीजा रक्स। हाँ रक्स, नाच गाना। क्या तुम पहरे हो? कवालियां तो हमने बहुत सुनी है लेकिन रक्स नहीं देखा। अलीजा, ताज्जुब की बात है, आज से पहले आपने दरबार में रक्स कभी नहीं देखा। आज से पहले हम नहीं थे। क्या मतलब? मेरा मतलब है आज मेरी बेटी की शादी है अल्लाह वालों, और इस खुशी में आज रक्स जरूर होगा। सखिया दे दीजिए सुल्तान मुअज्जम। किसी बेगुनाह को सजा देना बहुत बड़ा जुल्म है फकीरे। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इतनी बड़ी नाइंसाफी करेगा तो खुदा को क्या मुंह दिखाएगा। सुल्तान मुअज्जम, दूल्हा और दुल्हन को बुलाया जाए सुल्तान आली। हाँ 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 हाँ, दूल्हा दुल्हन को हम जरूर बुलाएंगे अल्लाह वालों।
शहजादा सुल्तान और शहजादी महजबीन को पेश किया जाए। आली जा, शहजादी महजबीन तशरीफ ला चुकी हैं, निकाह की इजाजत दी जाए। सुल्ताने आली, आप कुछ भूल रहे हैं? हाँ, हम भूल गए थे सखिया, मगर खुदा का शुक्र है उसने हमें एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। मौलवी साहब, निकाह शुरू कराया जाए सखिया। पुराना चिराग दे लो और नया दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फेरी लगाकर खजूरें बेचने वाला आवारा लड़का शहजादा सिस्तान का रूप धारकर हमारी आंखों में धूल झोंकने आया है। सुल्तान अली, इस फरेबी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसने शाही वकार को हाथ में मिलाने की जुर्रत की है। इसने हुजूर के जाह जलाल को ललकारा है। इस बदबख्त ने सुल्तान मुअज्जम की इज्जत और नामूस से खेलने की कोशिश की है। ये लुटेरा सख्त तरीन सजा का मतलब है। गिरफ्तार करो इस तहलुके को। सुल्तान अली, इसकी सजा का फैसला कल सुनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, गिरफ्तार कर लो, हम इसकी सजा का फैसला कल सुनाएंगे। ले जाओ इसे। मैंने तुझे तोते की तरह पढ़ा है, मगर तेरी समझ में खाक ना आया। अगर किसी मोर्चे से अलादीन के फरेब का पर्दा चाहता हूँ क्या होता, तो तुम्हें उसे गिरफ्तार करने की बजाय हमारी महबूबा को उसके हवाले कर देना था। बोल, जवाब दे, तेरी अकल ठिकाने आएगी या नहीं? कान खोल कर सुन लो, कल सुबह तूने अलादीन को भेष बदल कर फरेब देने के इल्जाम में सजाए मौत न दी और शहजादी से हमारा निकाह न पड़वाया, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। या मौला, मैं बेगुनाह और गरीब अलादीन को मौत की सजा कैसे दे सकता हूँ?
मेरे सखिया। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर। हाँ आओ आओ बेटी आओ। अब्बा हुजूर, अलादीन को माफ कर दीजिए। हम मजबूर हैं सखिया। सखिया, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा हुजूर? हम ठीक कह रहे हैं बेटी। एक बहरूपिये ने भरे दरबार में शहजादे का रूप बनाकर हमारे जाहो जलाल का मजाक उड़ाया है। वो बेकसूर है अब्बा हुजूर, दिल पर किसी का बस नहीं चलता। सजा देनी है तो मोहब्बत को दीजिए। मोहब्बत? क्या तुम अलादीन से मोहब्बत करती हो? कर भला हो भला हो। मेरा मतलब है बेटी, अगर हमने उसे माफ कर दिया तो हम वजीर आजम को क्या मुंह दिखाएंगे, अहले दरबार का सामना कैसे करेंगे? अब्बा हुजूर, आज आपने जिंदगी में पहली बार हमारी बात नहीं मानी, और आज आज आपके बदन से वो पहले से खुशबू भी नहीं आ रही, नहीं आ रही। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तुम्हें क्या पता हो बेटी, हम असली सुल्तान नहीं हैं। अरे हम तो एक हकीर फकीर है सखिया। कर भला हो भला, जुमेरात कर। अब्बा हुजूर को कुछ हो गया है गुलबदन? क्या हो गया है बानू? वो बदल गए हैं, उनका अंदाज बदल गया है, उनकी जुबान बदल गई है। आज हमें उनके जिस्म से लगकर ऐसी बू आई है जैसी उस लिबास में थी जो हमने भेस बदलने के लिए पहना था। मगर वो तो किसी बिकारन की गुदड़ी थी बानो। वो जो भी थी, लेकिन आज हमें अब्बा हुजूर के गले लगकर ना वो पहले सी शफकत नजर आई है ना प्यार की गर्मी। हमारा दिल घबरा रहा है, यूं लगता है जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमारी समझ में नहीं आता ये सब क्या है। अलादीन को कुछ हो गया तो हम भी जिंदा ना रहेंगे। अलादीन, ओ अल्लाह देते, अलादीन क्या हाल है? अभी गुजार तो आ गया? आ गया हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? दरबान तंग तो नहीं करते हैं? ये ले जाने मन, ये ले कपड़े पहन ले। अच्छा, ये दे दे। नंगा ना फिरा कर अभी नहीं। अभी शिकारी कुत्ती जैसा पिंडा लुका। और चुप रहे। अभी तू ये बता, चराग का कुछ पता चला? गजब हो गया अलादीन। वो हमारे वाला असली जो चराग था ना, वो माँ ने किसी फेरी वाले को दे के नया चराग ले लिया। माँ ने ये क्या कर दिया? काश मैं माँ को इतने इतनी चराग का राज बता दिया होता। यकीन करो, मैंने उस नए चराग को बहुत रगड़ा, ऐसे रगड़ा जैसे भंग रगड़ते हैं। परी तो क्या, कोई चूहा भी हाजिर नहीं हुआ। आका, क्या ये सचमुच तिलस्मी चराग है? अगर तुझे यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख बूढ़े। क्या हुक्म है मेरे आका? सबसे पहले मुझे मेरी जवानी लौटा दो। के लिए हमने कयामत का इंतजार किया, और अब ये जवानी हमारे चेहरे पर कयामत तक मुस्कुराती रहेगी। आज आज हम बहुत खुश हैं, और इस खुशी के मौके पर तू नाचोगी। नाचो, उस वक्त तक नाचो जब तक हम अपनी जवानी के नशे में मदहोश न हो जाएं। जो बढ़ाने का जी रहता है, मोहब्बत बढ़ाने का
मोहब्बत बढ़ाने को जी चाहता है। हम भी एक कनीज होते, अलादीन हमारा ना हो सका तो ये हुकूमत, ये शान और शौकत, ये जाहो जलाल किस काम के? हमारा प्यार चंद खड़ियों का मेहमान है, हमारे अरमानों का जनाजा उठने वाला है। खुदा पर भरोसा रखिए शहजादी साहिबा, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। नहीं गुलबदन, अब तो ऐसा लगता है जैसे वो आसमानों पे बैठा दुनिया का तमाशा देख रहा है। अगर मुझे महजबीन चाहिए और उसके साथ ही बगदाद की हुकूमत भी, तू शौक से हुकूमत कर सकिया, पर मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा? इसलिए कि तेरी शक्ल सुल्तान से मिलती है, मेरी बात क्यों नहीं समझता? अहले दरबार और सुल्तान के वफादारों से राज रखने के लिए मुझे ताजेशाही तेरे सर पर से जाना पड़ा, अगर तू अपनी घटिया हरकतों से बाज ही नहीं आता। कल सुबह अगर तूने अलादीन को मौत की सजा न सुनाई तो मैं तेरी मौत का परवाना जारी कर दूंगा। नहीं नहीं सुल्तान, ऐसा नहीं कर सकते, सुल्तान ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। सुल्तान को अगर अपनी फौजों पर करूर है तो इस दुखिया माँ को अपनी ममता पर भरोसा है, फिर खुदा पर ईमान है। मौत मेरे बेटे को नहीं जीन सकती, नहीं जीन सकती, नहीं जीन सकती। सुल्तान या अभी मुजरिम हाजिर है, सजा का हुक्म सुनाया जाए। आली जा, अहले दरबार फैसले के मुंतजर है। रहम आली जा, रहम आली जा, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए आली जा, रहम कीजिए, रहम कीजिए आली जा, मेरे बच्चे को रहम कीजिए, छोड़ दीजिए। कौन हो तुम? मैं माँ हूँ इस बदनसीब की, जिसे आप सजा देना चाहते हैं। मैं एक बेवाह वाली जा, मुझे बे औलाद होने से बचा लीजिए। बुढ़िया, तेरी फरियाद, तेरे आंसू, तेरी चीखों पुकार कोई इसे सजा से नहीं बचा सकते। आली जा, एक बच्चे की नादानी समझकर अल्लाह दीन को माफ कर दीजिए। आप
एक दुखिया माँ पर रहम करेंगे, आप पर खुदा रहम करेगा, एक एक गरीब बेवा आपको जिंदगी भर दुआएं देती रहेगी। सुल्ताने आली, सुल्ताने आली, एक मजबूर पर तरस खाइए, आपके पास बहुत कुछ है आली जान, बहुत कुछ है, और मेरे पास अल्लाह दीन के सिवा कुछ भी नहीं आली जान, आली जान, आली जान, अल्लाह दीन मेरे घर का चिराग, मेरी आंखों का नूर है आली जान, आली जान, ये ना रहा तो मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी, आली जान, मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी, आली जान, माफ कर दीजिए मेरे बेटे को, आली जा, एक माँ को उसका बेटा वापस दे दीजिए, आपको कमी वाले का वास्ता, आपको कमी वाले का वास्ता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दीजिए, माफ कर दीजिए उसकी खता, माफ कर दीजिए आली जा, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माँ बस करो, माँ बस करो, बस करो, माँ सुल्तान आली गुस्ताख, क्या तूने सुना नहीं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, और हम इस जन्नत के लिए एक अलादीन तो क्या हुकूमत के सारे कैदी रिहा कर सकते हैं, माँ तुम अलादीन को ले जा सकती हो, हम इसे रिहा करते हैं, कमीने, तूने आखिर मेरे दुश्मन को रिहा कर ही दिया, मैं तेरी चमड़ी उतारूंगा। बस कीजिए वजीर आजम, हमारे सारे मंसूबे इसकी जिंदगी से वाबस्ता है, अगर ये मर गया, मर जाने दो, मर जाने दो, इसने मेरे अरमानों का खून किया है, मैं इसकी शहरक से खून का आखिरी कतरा नहीं छोड़ लूंगा, इसने मेरे ख्वाब चकनाचूर किए हैं, मैं इसके टुकड़े उड़ा दूंगा, इसने मेरा हुक्म नहीं माना, मैं इसे इबरतनाक सजा दूंगा। इस बदबخت पर मेरा साथ कर दो, इससे पहले अलादीन का सर कुचलना जरूरी है। पानी सर से गुजर चुका है फकीरे, जुल्म की आग अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, याद रख फकीरे, अगर मौत से डर कर तूने इंसाफ का खून किया तो उम्र भर के आंसू भी तेरे दामन से दाग नहीं धो सकेंगे, मर जा इंसाफ के लिए, जान दे दे सच्चाई के लिए, मर जा इंसाफ के लिए, मर जा इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए। खैर हो सखिया, अल्लाह वालों ये घड़ी प्यार में खोने की नहीं है, उसमें आने की है सखिया। अब्बा हुजूर? नहीं नहीं, हम आपके अब्बा हुजूर नहीं हैं, ये एक गहरा राज है। राज? हाँ, एक गहरा राज जिसे मैंने बहुत दिनों अपने सीने में छुपाए रखा शहजादी साहिबा, अगर आप समीर के हाथों मजबूर होकर आपको बताने आया हूँ, मेरी शक्ल सुल्ताने आली से मिलती जरूर है,
लेकिन मैं एक मुफलिस फकीर हूँ शहजादी साहिबा, मुझे बचाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा हुजूर? अरे हम आपके अब्बा हुजूर नहीं है शहजादी साहिबा, ये मुझे बाजार से उठा लाए हैं। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, महल में बगावत हो गई है। बगावत? बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये गद्दार वजीर बागी हो गया है, मुझे झूठ मूठ का सुल्तान बना के रखा हुआ है। तो फिर हमारे अब्बा हुजूर कहाँ है? सखी की खैर हो, खुदा जाने कहाँ है। अल्लाह दे, घबराओ नहीं बच्चे, भी घबराओ नहीं, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये गद्दार वजीर अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। नकली सुल्तान नहीं, आकाए वली नेमत है। आज तुम्हें अपनी गद्दारी की सजा भुगतनी होगी। अब बचकर कहाँ जाएगा सखिया? करबला ओ बला खैर सखी। सुल्तान-ए-आली, इस खबीस रूह को जहन्नम रसीद करने की इजाजत मुझे दी जाए। इजाजत है? जिस
जिसने हक को इंसाफ की खातिर तख्त व ताज को ठुकरा दिया, जिसने शाहाना ऐशो इशरत के बदले अपने ईमान का सौदा नहीं किया, जिसने हकदार को उसका हक खुशी से लौटा दिया। हम फकीरों को वजारत से क्या वास्ता, खुदा तुम्हें इंसाफ की तौफीक दे। हुकूमत का मजा बहुत चख लिया माए बाप, कमर पर कोई जगह ऐसी बाकी नहीं जिस पर गद्दार हाशिम के कोड़ों के निशान न हो। तुम फकीर के भेष में वली हो, इंसान के रूप में फरिश्ते हो। तुम चाहते तो सारी जिंदगी बड़े मजे से हुकूमत कर सकते थे। दूसरों के चराग से रोशनी मांगने वाले हमेशा अंधेरों में भटके हैं सखिया, आपको आपकी शाही मुबारक हो और मुझे मेरी फकीरी। कर भला खैर हो सखिया, खैर सखिया। अभी दूल्हा मियां आएंगे और कहेंगे मैं कुर्बान मैं वारी। माशाल्लाह मेरी शहजादी, वाकई जान का टुकड़ा है। अलादीन, सुल्ताने मुअज्जम, तुमने अपनी बहादुरी से न सिर्फ हमारी सल्तनत को बचाया है बल्कि हमारी इज्जत और नामूस की हिफाजत भी की है, इसलिए आज से हम तुम्हें शहजादी महजबीन के साथ ही बसरे का तख्त ताज भी बख्शते हैं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हम दुनिया की सबसे हसीन औरत से शादी करना चाहते हैं, बताओ दुनिया की सबसे हसीन औरत कौन? खामोशी, तुम खामोश क्यों हो गई? जान दो। बसर की शहजादी महजबीन। बसर की शहजादी महजबीन। मालूम था कि अलादीन की किस्मत में बगदाद की शहजादी का प्यार लिखा। मोहब्बत वो शीश नहीं देखती अलादीन। वो दिन याद है माजी, जब तुम मुझे बेकारन के रूप में मिली थी। वो दिन मुझे कभी ना भूलेगा, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। और आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। तुम्हें पाकर मैं खुशी से पागल हो रहा हूं, क्योंकि आज तुम मेरी हो चुकी हो। क्या करते हो? शर्मा रही हो? चाला नहीं बत दीजिए, तुम्हारा चाचा सामरी जादूगर। सामरी जादूगर? रेवी धोखेबाज, तिलस्मी चिराग तो तुम ले गए, अब क्या लेने आए हो? दुनिया है चमन का सबसे खूबसूरत फूल, कायनात का सबसे अनमोल हीरा, जहान फानी की सबसे हसीन औरत, शहजादी महजबीन को लेने आया हो। ये मलिका बनकर हमारी जादू नगरी पर हुकूमत करेगी। जादू नगरी पहुंचने से पहले मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। हमारा एक इशारा तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना सकता है। नहीं नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी महबूबा के सामने दिल के अरमान निकालने का पूरा पूरा मौका देंगे। Help!
ताज्जुब की बात है, महल मौजूद है, अगर शहजादी की ख्वाबगाह बुनियादों समेत गायब है। खुदा हमारे लाल और शहजादी को सलामत रखे। सुल्तान आली की खिदमत में अदा। कुछ पता चला गुलजार? कुछ पता नहीं चला अलीजा, बहुत तलाश किया है हुजूर। मेरा ख्याल है कि वो फीना सामरी जादूगर उन्हें उड़ा के दे गया है। या जिन? मैं ना जादूगर हूँ ना जिन, मैं तो जादूगरों का दुश्मन हूँ जो खुदा के नेक इंसानों को तंग करते हैं। मुझे सामरी जादूगर ने इस होटल में बंद कर दिया है। तो मैं आपको जरूर आजाद करूंगा। मांगो बेटा, क्या मांगते? मुझे जादू नगरी पहुंचा दो। ये कालीन तुम्हें जादू नगरी पहुंचा दे और ये तलवार तुम्हारी हिफाजत करे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पर मजबूर नहीं कर सकती। भूल जाला दीन को, मैं दुनिया के तमाम ऐश तेरे कदमों में ठहर सकता हूँ। अपने प्यार के लिए हम दुनिया के तमाम ऐश ठुकरा सकते हैं। हमारी मोहब्बत, हमारा जिस्म अलादीन की अमानत है। अलादीन देखता हूँ तेरी मोहब्बत मुझे अपने प्यार बुझाने से कैसे रोक सकती है। मेरे हाथ क्यों रुक गए? इस ताकत ने मेरे पैरों को जगा रखा है। सामरी इसकी इज्जत कोई नहीं लूट सकता, इसलिए कि ये एक सही बाप की बेटी है। इसका बाप तमाम जिंदगी बेवाओं, यतीमों और मोहताजों में खैरात तकसीम करता रहा है। दुनिया की कोई ताकत इसकी इज्जत से नहीं खेल सकती। सामरी, शहजादी मार्गवीन को छोड़ दे, देख मौत तेरे सामने आ रही है। काली जी, चंदी पापा, आ, 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 आ,
मत दीजिए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं तुम्हारा अंजाम बन गया हूँ साबी। चींटी की मौत आए तो उसके पर निकल आते हैं। चींटी हाथी की मौत बन जाती है। मौत और जिंदगी दोनों पर मेरी हुकूमत है भतीजे। ये हुकूमत अब दो घड़ी की मेहमान है सामने। नादान हो भतीजे, एक बार भी नहीं सह सकोगे। गरजते ही रहोगे या बरसोगे भी। ये सालम जादूगर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जादू नगरी में फैली हुई इन बेशुमार खोपड़ियों में एक खोपड़ी का इजाफा और हो जाएगा। नहीं नहीं, हम पर रहम करो सामरी, हमें आजाद कर दो। आजाद? मैं तुम्हें जरूर आजाद करूंगा, लेकिन अपने दिल की प्यास बुझाकर, तुम्हारे हुस्न जवानी की शराब पीकर। तुम नाचोगी और नाचते नाचते अपने आप को मेरी आगोश के हवाले कर दोगी। मैं तुम्हें सोचने की मोहलत देता हूँ, अगर इनकार किया तो अलादीन को जलाकर भस्म कर दूंगा। कनीरो, ये मगरूर हसीना मान जाए तो इसे हमारी मलिका बना देना। ऐसा कभी नहीं हो सकता माचबी, तुम इस जादूगर के सामने कभी ना झुकना, वरना मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। वो जालिम तुम्हें मार डालेगा अलादीन, मैं तुम्हारी बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरी बात गौर से सुनो माचबी, अगर तुम इस जादूगर से तिलिस्मी चिराग हासिल करने में कामयाब हो जाओ ना, तो हम इस कैद से आजाद हो सकते हैं। चिराग हासिल करने के लिए मैं जादूगर के सामने जरूर नाचूंगी, जरूर नाचूंगी।
हुक्म है शहजादी साहिबा। अच्छी भली, अलादीन को जल्दी से आजाद कर दो। अच्छी भली, अब हमें जल्दी से अपने वतन पहुंचा दो। नहीं बादशाहबीन, बदी के इस मुजस्मे को मैं चकनाचूर किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। इतना करो अलादीन, अगर वो होश में आ गया तो हम फिर मुसीबत में फंस जाएंगे। डरो नहीं, ये शैतान अगर जिंदा रहा तो ना जाने कितनी लड़कियां इसकी हवस का शिकार होगी, ना जाने कितने घर वीरान हो जाएंगे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जालिम जादूगर, होश में आ, वरना दुनिया कहेगी कि अलादीन ने अपने सोते हुए दुश्मन पर वार किया है। सामरी जादूगर को मार डालो। ये मेरी ताकत से बाहर है शहजादी साहिबा, क्योंकि इसका दिल इसके सीने में नहीं है। इसका दिल इसके सीने में नहीं है? नहीं, इसने अपना दिल निकालकर एक शीशे के मर्तबान में महफूज कर रखा है। जब तक इसके दिल को जख्मी ना किया जाए ये नहीं मर सकता। वो मर्तबान कहाँ है? उस तरफ एक खुफिया तहखाने में। अब हमें हमारे वतन पहुंचा दो। अच्छी परी, ये लो, आज से तुम आजाद। तो धड़कते दिल मिले
मिट गए सब फासले प्यार के, दो धड़कते दिल मिले मिट गए सब फासले प्यार के। चलते चलते थम गए, चलते चलते थम गए काफ़िले बहार के, दो धड़कते दिल मिले